भाजपा के काम नहीं आएगी। जुमलों की राजनीति, अशोक गहलोत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद वे भाजपा वाले बौखला गए हैं। जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को दावा किया कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा से काफी आगे निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि जुमलों की राजनीति को देश समझ चुका है और इस बार जुमलों की राजनीति भाजपा के काम नहीं आने वाली है। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन पर कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के बाद गहलोत ने कहा, कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में देशव्यापी तैयारी शुरू की है, उसमें कांग्रेस काफी आगे निकल चुकी है। हमारे प्रत्याशियों का चयन शुरू हो गया, हमारी चुनाव अभियान की तैयारी शुरू हो गई है, राहुल गांधी के दौरे शुरू हो गए हैं, भाजपा के भारत के मन की बात मोदी के साथ अभियान के बारे में पूछे जाने पर गहलोत ने कहा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत के बाद वे भाजपा वाले बौखला गए हैं। पिछली बार चुनाव में कुछ जुमले बोले थे, इस बार भी नए जुमले बोले जा रहे हैं, उनके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, इसमें कोई नई बात नहीं है, देश जुमलों की राजनीति को समझ चुका है, इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी। गहलोत ने कहा कि राज्य में किसानों के फसली कर्ज माफ करने के शिविर गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। पहले चरण में सहकारी बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों से लिए गए 2 लाख रुपए तक के फसली कर्ज माफ होंगे। वाणिज्यिक बैंकों व ग्रामीण बैंकों से लिए गए फसली कर्ज को माफ करने के बारे में अधिकारी इन बैंकों से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से कर्ज माफी का जो वादा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किया था, उसे पूरी तरह निभाने को हमारी सरकार तैयार है और फैसला कर चुकी है। शिक्षित युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत बेरोजगार शिक्षित युवाओं को 3,500 रुपए तक की राशि 1 मार्च से मिलने लगेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी 9 फरवरी को लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर पार्टी नेताओं की बैठक करेंगे, जिनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल होंगे।